पानी का मटका हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, पर उसके नीचे एक छोटा सा हंडा मटका कुछ भी, छोटा सा घड़ा कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं जाए उस घर में। अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती, क्लेश हो कहां से रहा? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10,000 का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़की वाले लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात रात भर बात चली, फिर 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 क्या हो गया? यहां तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी ऐसी बात सास और बहू में चले, चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले यही है, चप्पल भी ली है, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी, 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को, जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर साल 2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने यह कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या ऐसा है, कि क्या कारण हो गया। अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं, अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे, ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो, ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया, मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भरकर रखा जाता है मटका, क्यों भरकर रखते हैं हंडा, क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है, क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर से भर भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा, और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है, जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है उसका पानी बाहर ढूंढना चाहिए, और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए, नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे, पर माताएं तो अपने फैशन में रहनी, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर, कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा, ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे, पर लोग
पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार कर कंटेंटिंग पेंटिंग कर, अब बार जब पानी गिरे तो कही तो बेचार पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो खाली करो पंडित जी खाली करो, अब खाली करा इतना भर दिया, अब वो मैंने आम का पत्ता नरियल सब धर दिया, अब ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश कहीं खाक झलके। ये तो घर प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींचना, अब इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके, अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं न झुमका झलका, और कहा मतलब का झलका है सो झलके सो।